नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ऑफ टेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों को टॉप 5 लाइट वेट और फिर फास्टेस्ट ब्राउजर के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर ब्राउजर की साइज की बात करें तो वो अंदर 10 MB के अंदर ही सारे ब्राउजर है और कुछ तो 500 KB के भी हैं। और गाइज, यहाँ पे अगर आप इसके स्पीड की बात करें, फीचर की बात करें, तो आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमाल की स्पीड और फीचर भी मिल जाएगी। सो गाइज, अगर आप इस एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारा जो पहला एप्लीकेशन है उसका नाम है डॉल्फिन जीरो। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का ब्राउजर है जिसे कि आप बेस्ट इनकॉग्निटो ब्राउजर के नाम से भी जानते होंगे या फिर बुला सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे इसके साइज की बात करें तो बस ये 500 KB का ऐप है और यहाँ पे इसे डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको बस प्ले स्टोर पर डॉल्फिन जीरो सर्च करना और आप इसे इजिली डाउनलोड कर पाएंगे। 500 KB का है तो गाइज, यहाँ पे इसे डाउनलोड करने में कोई ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। सो गाइज, इनकॉग्निटो इसका नाम मैं इसे क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी चलाते हैं तो उसकी कोई भी हिस्ट्री नहीं बनती। आपका IP एड्रेस भी कोई ट्रैक नहीं कर सकता, आपको कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। या फिर दोस्तों, अगर आप इस किस टाइप पे किस टाइम पे इसे यूज़ करते हैं लगते हैं लाइक, जैसे कि दोस्तों आप कहीं पे गए हुए हैं अपने दोस्तों के साथ और आपको वहाँ पे अपनी फेसबुक की आईडी लॉगिन करनी है, फेसबुक अकाउंट चलाना है। सो गाइज, ऑन दैट केस आप इस एप्लीकेशन को जो है अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके अपने दोस्त के फ़ोन में इंस्टॉल कर इसके अंदर जो है अपना फेसबुक अकाउंट चला सकते हैं, जिससे कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो बिल्कुल ही सिक्योर रहेगा, कहीं पर भी सेव नहीं होगा, आपकी किसी भी तरह की हिस्ट्री जो नहीं बनेगी। और गाइज, यहाँ पर अगर इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, जिससे कि मुझे ये एप्लीकेशन, ये ब्राउज़र जो है डॉल्फिन जीरो, मुझे बहुत ही ज़्यादा कमाल कर लगा। सो गाइज, हमारा काम था आपको बताना, हमने बता दिया, अब आपको हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये ब्राउज़र कैसे लगा। सो गाइज, जैसे एग्जिट करोगे ये सारी चीज़ें जो है खत्म हो जाएगी। जो हमारी जो अगली एप्लीकेशन का नाम है फिनिक्स ब्राउजर। सो गाइज, यहाँ पर आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है और जो जिसका इंटरफेस है वो कस्टमाइजेबल है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग जो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ शॉर्टकट्स दिख रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी URL ऐड करके अपने अकॉर्डिंग जो है शॉर्टकट्स लगा सकते हैं। और गाइज, यहाँ पे अगर इस एप्लीकेशन, इस ब्राउजर की बात करें तो ये ब्राउजर बहुत ही ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा। अब जैसे कि आप यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं, मैंने जैसे यूट्यूब पे क्लिक किया, यूट्यूब बस क्लिक करते ही जो है यहाँ पे ओपन हो गया। और भी मैं यहाँ पे आपको कुछ सर्च करके दिखा देता हूँ, ओशन ऑफ टेक अपने चैनल का नाम मैंने यहाँ पे सर्च किया और यहाँ पे आप इजिली देखिए जो है मेरा चैनल क्लिक करते ही खुल गया। और दोस्तों, यहाँ पे जो मुझे इसकी बहुत ही खास चीज लगी, इसकी स्पीड। दोस्तों, यहाँ पे जो इसकी स्पीड है वो बहुत ज्यादा कमाल की है, बहुत ही तेज है। और गाइज, यहाँ पे अगर सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, इनकॉग्निटो, ब्राइट, फाइंड इन पेज, और फिर अगर सेटिंग्स की बात करें तो हिस्ट्री क्लियर कर सकते हैं आप सेटिंग्स के जाकर ने जाने के बाद, और फिर यहाँ पे डिफॉल्ट सर्च इंजन स्विच टू प्राइवेट वेब PC वेबसाइट। सो गाइज, यहाँ पे आप डेस्कटॉप साइट भी खोल सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपको एक बार डेस्कटॉप साइट भी खोल करके दिखा दूंगा, उसकी स्पीड भी आपको जो है यहाँ पर दिखा दूंगा। और जो गाइज, अगर बात करें सेटिंग्स की तो वहाँ पर नॉर्मल सारी चीज़ें सेटिंग्स जो है। और गाइज, यहाँ पर मैं एक बार एक और बता दूंगी, आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, कोई भी URL या फिर कोई भी एक्सटेंशन जो है आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप गेम के शौकीन हैं तो गेम को ऐड कर लीजिए और सिंपली एक्सेस करके आप गेम के पास पहुँच सकते हैं। और गाइस, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप साइज ओपन किया, जैसे ही क्लिक किया और ये बस कुछ 1-2 सेकेंड में ही जो है ये इतना बड़ा पेज जो है फुल्ली लोड हो गया। सो गाइस, मेरे हिसाब से ये एप्लीकेशन भी जो है बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। सो गाइस, चलिए अगले एप्लीकेशन की बात करते हैं, उसका नाम है मिनी फायर। तो दोस्तों, यहाँ पे जो इसका जो इंटरफेस है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है, जहाँ पे आप वेदर देख सकते हैं और यहाँ पे आपको जो है न्यूज़ भी मिल जाते हैं, न्यूज़ भी आप यूसी न्यूज़ की, यूसी ब्राउजर की तरह इसमें भी आप जो है न्यूज़ भी सर्च कर सकते हैं। और गाइज, ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको वेदर दिख रहा है और यहाँ पे अगर आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो ट्रेंडिंग चीज़ें जो है नॉर्मली जो बहुत ही ज़्यादा सर्च की गई साइट्स है वो ऑटोमेटिकली जो है ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपको यहाँ पे ऊपर डॉल्फिन का एक आइकन मिलता है, वहाँ से आपको कुछ टॉप सर्चेबल साइट्स जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो गाइज, मैं यहाँ पे अगर आप इसकी स्पीड की बात करें तो इसका स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का, और अगर इस एप्लीकेशन की बात करें तो ये एप्लीकेशन है सिर्फ 4 MB की। सो गाइज, यहाँ पे भी मैंने आपके सामने यूट्यूब ओपन कर दिया है, यूट्यूब ओपन करके और भी मैं पेजेस ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए इसकी स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है और जो डेटा का साइज़ है वो बस 4 MB। और अगर फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको अगर आप यूसी ब्राउज़र आपने यूज़ करा है तो यूसी ब्राउज़र में आपको जितने भी फीचर मिलते हैं वो सारे फीचर जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और उससे भी कहीं ज़्यादा मिल जाएंगे। सो कहीं यहाँ पे आप प्राइवेसी साइट्स की सेटिंग्स को देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग लॉक लगा करके अपने किसी भी
प्राइवेट प्राइवेट साइट्स को है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं हिस्ट्री में जाकर के, किसी भी आपके जैसे कोई आपका प्राइवेट साइट हो तो आप उसे जो है यहाँ पर ऐड करके उसे लॉक कर सकते हैं, जिससे कि खोलने के लिए आपका जो है पैटर्न डालना पड़ेगा, तभी जा करके वो साइट्स जो है खुलेगी। सो गाइस कुछ इस प्रकार की है ये एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको इनकॉग्निटो टैब भी मिल जाता है जिसमें कि आप मल्टीपली कुछ भी सर्च कर सकते हो। ऊपर से आपको एक आइकन मिल जाता होगा, वहाँ पे आपको पॉपुलर सर्च आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे डॉल्फिन जैसे आइकन को देख सकते हैं। सो गाइस ये एप्लीकेशन भी मुझे बहुत ज़्यादा कमाल की लगी। सो गाइस अगर अब बस आपको कमेंट करके बताने कि आपको इन सभी में से कौन से एप्लीकेशन जो है अच्छी लगी। सो गाइस अगर अगले एप्लीकेशन की बात करें तो नाम उसका नाम है फायरफॉक्स। सो गाइस ये भी एक इनकॉग्निटो टाइप का ही ब्राउजर है जिसमें कि आपका जो है ब्राउजिंग कुछ भी आप ब्राउज करते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है एग्जिट करते ही डिलीट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। सो गाइज यहाँ पे भी आप इसे भी उसी तरीके से कुछ यूज़ कर सकते हैं, लाइक आपको अपना कोई भी प्राइवेट चीज़ चलाना हो, जैसे कि फेसबुक अकाउंट हो गया, इंस्टाग्राम, या फिर मे भी आपको अपनी ईमेल आईडी कुछ मेल वेल चेक करना हो। सो गाइज आप यहाँ पे बेफिक्र होकर के यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसकी स्पीड भी, ब्राउजिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा कमाल की मिलेगी। आई डोंट नो कि मतलब मैंने भी इसे चेक नहीं किया कुछ इस पर डाउनलोड पर लगा के डाउनलोड हो या ना हो, बट यहाँ पे अगर आप ब्राउज करना चाहते हैं तो गाइज यहाँ से बहुत ही ज़्यादा कमाल की एप्लीकेशन है। बहुत इसकी साइज़ की बात करो, साइज़ भी बहुत ज़्यादा कम है, और स्पीड की बात करो तो यहाँ पे स्पीड बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, बहुत ही तेज़ चल रहा है ये एप्लीकेशन। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने आपके सामने कुछ टैब खोल कुछ सर्च करके देखा, और यहाँ पे आप जैसे ही मैं उसे क्लिक कर रहा था वैसे ही जो है वो चीज़ ओपन हो जा रही थी गाइस। और यहाँ पे अगर सेटिंग्स की बात करो तो सेटिंग्स में आपको बस यहाँ पे ब्लॉक एड ट्रैकर, ब्लॉक एनालाइजिंग ट्रैकर, ब्लॉक ब्लॉक चीज़ें ही जो दिख जाएगी। जो गाइस यहाँ पे जो है आपको ऐड भी ज़्यादा शो नहीं होता, बस सिंपल सा ब्राउजर है, कुछ भी आप सर्च करो, कुछ भी खोलो, कुछ भी देखो और फिर एग्जिट कर दो तो सारी चीज़ जो है यहाँ पर हो जाएगी क्लियर। और सेटिंग्स में यहाँ पे आप लैंग्वेज भी अपने अकॉर्डिंग जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज इसे भी आप कह सकते हैं इनकॉग्निटो ब्राउजर। सो चलिए दोस्तों अगले एप्लीकेशन की बात करते हैं। सो गाइज अगला एप्लीकेशन का नाम है सीएम ब्राउजर। सो गाइज यहाँ पे आप देखिए इसका इंटरफेस सेम टू सेम, लाइक मतलब ये आसान सा इंटरफेस है, आपने यूसी ब्राउजर यूज़ करा होगा तो वैसे ही इंटरफेस है, बट यहाँ पे न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है। और गाइज यहाँ पे ऊपर आप यूआरएल डाल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सर्च कर सकते हैं। और स्पीड की बात करें तो स्पीड यहाँ पे उन सारे एप्लीकेशन से थोड़ी सी स्लो है। सो गाइज इसलिए मैंने इसे लास्ट में रखा है, बट अगर यहाँ पे इसकी फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको अमेजिंग अमेजिंग फीचर्स जो है देखने को मिल जाते हैं। और गाइज यहाँ पे देखिए वन एड ब्लॉक, सो गाइज ये जो है फुल्ली एड्स को जो है ब्लॉक कर देता है। अगर आप इसके अंदर कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो आप ये फिक्र रहिए कि आपको कोई भी ऐड देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। और यहाँ पे स्पीड भी आप यहाँ पे देख लीजिए, स्पीड भी इसकी कमाल की है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कहूँगा बट एवरेज जो है। आप अगर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, एक बार यूज़ करेंगे तो आपको अवश्य मज़ा आएगा। और गाइज यहाँ पे जो है सेटिंग्स की बात करें तो एड ब्लॉकर, फाइल साइज, डेस्कटॉप साइट, एड विजिट, और भी यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, डेस्कटॉप साइज़। और फिर यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग 10 टैब खोल सकते हैं आई थिंक, और इनकॉग्निटो टैब भी जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है जिसमें कि आप कुछ भी सर्च करेंगे तो आपकी हिस्ट्री जो है यहाँ पर शो नहीं होगी। और गाइस सेटिंग्स की बात करें तो सेट एज डिफॉल्ट ब्राउजर, नॉर्मल सारी चीज़ें हैं, प्राइवेसी सेटिंग्स सो डोंट डू नॉट ट्रैक उसे ऑन कर सकते हैं, सिक्योरिटी सेटिंग, ब्राउजिंग सेटिंग्स, सो गाइस और बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल। सो गाइस कुछ इस प्रकार की थी हमारी ये वीडियो। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और गाइस सब्सक्राइब करना मत।